तेषाम् अनुकम्पार्थम् एव अहम्, उन पर दया करने के लिए ही मैं। आत्मभावस्था भास्वता ज्ञानदीपेन, आत्मस्तार भाव से स्थित चमकते हुए ज्ञानदीपक द्वारा अज्ञानजम तमः नाशामि, अज्ञानता से उत्पन्न अज्ञानांधकार को नष्ट कर देता हूँ। तेषाम् अनुकम्पार्थम् एव अहम् आत्मभावस्थ भास्वता ज्ञानदीपेन अज्ञानजम तमः नाशामि भावार्थ, उन पर सृष्टिगत दीर्घकालीन दया करने के लिए ही मैं आत्माओं का बाप सदाशिव ज्योति पुरुषोत्तम संगमयुग में सदाकाल आत्मस्तार भाव से स्थित उस चमकते हुए ध्रुवतारा मानिंद त्रिनेत्री बने ज्ञानदीपक द्वारा मैं शिव ही माया रावण की अज्ञानता से द्वापुरकली में उत्पन्न अज्ञानांधकार को संगमी ब्राह्मणों में नष्ट कर देता हूँ। तभी कहा ऋते ज्ञानान्न मुक्ते। फुटनोट, बुद्धिमानों की बुद्धि सदाशिव ज्योति ही मूर्तिमान शंकर जगत पिता को सबसे पहले अनवरत ज्ञान मार्ग में ले आता है। द्वैतवादी द्वापर से 2500 साल में विधर्मियों के अज्ञान से ही भारतीयों की अंधश्रद्धायुक्त भक्ति मार्ग में दुर्गति हुई है। इस दुर्गति से सर्वप्रथम साकार सृष्टि के बीज अर्थात जगत पिता बाप को ही निकालता है। शिव बाप पुरुष है ना? क्या है? पुरुष, पुरु माने शरीर रूपी पुरी, शय माने शयन करने वाला, शरीर रूपी पुरी में आनंद से शयन करने वाला। कभी कोई उसे परेशानी नहीं, भले पतित शरीर में आता है, पतित दुनिया में आता है, लेकिन उस शरीर में उस दुनिया में उसको कोई परेशानी अनुभव नहीं होती, क्योंकि उसे क्यों नहीं अनुभव होती? और मनुष्य आत्माएं वो भी तो आत्माएं हैं, उनको इस दुनिया में खासकर कलयुगी दुनिया में परेशानी क्यों अनुभव होती है? हैं? सदैव आत्मिक स्थिति में। सदैव आत्मिक स्थिति में। आर्मिक आत्मिक स्थिति। संगम युग में जो भी पार्ट बजाता है तो सदा आत्मिक स्थिति में रहता है ना? है? नहीं रहता है? अरे सुप्रीम सोल बाप, आत्माओं का बाप, जिसका कोई बाप नहीं सृष्टि पर आता है तो सदैव आत्मिक स्थिति में नहीं रहता, वो तो सदैव आत्मिक स्थिति में रहता है। ये जरूर बताता है कि मैं जब आता हूं तो तुम बच्चों को आप समान नंबरवार बनाता हूं, तो कोई तो अव्वल नंबर आप समान बाप समान बच्चा बनता होगा। निराकारी निर्विकारी निरहंकारी, निरंतर निराकारी बनेगा तो उसके अंदर 11वीं इंद्री मन अपना काम करेगी, तो वो मन रूपी 11वीं इंद्री बाप का जो बड़ा बच्चा है वो पहले पहले उस इंद्रिय को कंट्रोल करता है या नहीं करता है? मन रूपी 11वीं इंद्रियों को कंट्रोल करता है। देखो सितारे हैं ना, उनमें लकी कौन है? हैं? किनको कहें लकी? जो चमकते हैं, उनमें ज्ञान की चमक होगी या नहीं होगी? उनकी महिमा है, ये ध्रुव तारा है, ये फलाना तारा है। जिस आत्मा के द्वारा परमात्मा परमात्मा पार्ट बजाते हैं
क्योंकि परमात्मा तो ज्योति बिंदु है, वो तो न खड़ा डंडा है न पड़ा डंडा है। खड़ा डंडा है इस सृष्टि की पहली आत्मा, जिसे कहा जाता है राम, जिसे सृष्टि में दूसरे दूसरे धर्म वाले कहते हैं एडम, आदम, सृष्टि का आदि पुरुष। हिंदुओं में उसको कहते हैं आदिदेव शंकर। तो वो सृष्टि के आदि पुरुष में वो निराकार ज्योति बिंदु प्रवेश करता है। वो जब परमात्मा पार्ट के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होता है ब्राह्मणों की दुनिया के बीच में, तो वो खड़े डंडे के रूप में दिखाई देता है, इसलिए उसको कहते हैं अलग। अलग माना आज से लेकर के अंत तक खड़ा रहने वाला। जितने भी सितारे हैं वो सब चलाए माने 9 लाख सितारे, एक सितारा ऐसा है जो अपनी जगह पर खड़ा रहता है। कौन सा सितारा है? ध्रुव तारा। ध्रुव तारा अपनी जगह पर अटल रहता है, अखंड रहता है, इसलिए वो ही परमात्मा शिव का साकार स्वरूप है, जिसे शंकर कहा जाता है, वो है अलग। पहले पहले दीपक कौन सा जलाया जाता है? धर्मराज। माने 500 करोड़ मनुष्य आत्माएं हैं, सब अज्ञान निद्रा में सोई पड़ी है, उन सोई पड़ी हुई आत्माओं में सबसे पहले ज्ञान का दीपक किसका जलता है? धर्मराज। वो धर्मराज कोई और दूसरा नहीं है, जो रामकृष्ण की आत्माएं हैं वही धर्मराज के रूप में संसार में प्रत्यक्ष होती है। जो युद्ध में आज से लेकर के अंत तक स्थिर रहती है, युद्ध में स्थिर रहती है, इसलिए उनका नाम पड़ा है युद्ध में स्थिर रहने वाले युधिष्ठिर। जो रीति रसम रवाज है, परंपराएं हैं, कहां से पड़ती हैं? तो संगम युग में ये दीवा जलाने की परंपरा जो मिट्टी के दीपक में मिट्टी का छोटा सा पात्र बनाते हैं ना, उस पात्र में दीवा जलाते हैं, ये परंपरा क्यों पड़ी? सोने का दीपक क्यों नहीं बनाते? ये शरीर रूपी मिट्टी का दीवा है, इस मिट्टी के दीवे में परमपिता परमात्मा आकर के पहले पहले धर्मराज का दीपक जलाते हैं। दीपावली में क्या करते हैं? पहले दिन धर्मराज का दीपक जलता है और बाद में उस दीपक से सभी दीपकों को जलाया जाता है। भगवान आकर के बाप प्रैक्टिस कराते, बच्चे तुम ये शरीर का पुतला नहीं हो, मिट्टी का पुतला, ये मिट्टी का पुतला 5 तत्वों का पुतला है, कहाँ है? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, ये तो जड़ तत्व है, तुम तो इस पुतले में रहने वाली ज्योति बिंदु आत्मा, ये आत्मा रूपी दीपक तुम्हारा अभी सोया हुआ है, क्योंकि तुम अपन को आत्मा नहीं समझते। क्या समझते हो? देह समझते हो, अपन को भी देह समझते हो और दूसरों को भी देह समझते हो। अब क्या करना है? अब अपन को भी आत्मा समझना है और देह देह के जो भी संबंधी है उनको आत्मिक रूप में देखना है। ये प्रैक्टिस जब पक्की पड़ जाएगी तो प्रैक्टिस करते करते तुम दूसरों को भी भ्रकुटी के मध्य में जगता हुआ दीपक के रूप में देखोगे, सितारे के रूप में देखोगे और अपने को भी देखोगे। तो ये जब आत्मा रूपी दीपक जगते हैं तो उन दीपकों में कोई कोई दीपक है जो पहले जगते हैं, जैसे दिखाते हैं शंकर जी के सर के ऊपर 8 मणके रखे हुए हैं, वो 8 मणके हैं 8 आत्माओं की अलग। क्या वो 8 आत्माएं श्रेष्ठ आत्माएं हैं दुनिया की, जो पहले जगती अपने देह भान को भूल जाती हैं और अपने को क्या समझती हैं? मैं ज्योति बिंदु आत्मा हूं, चमकता हुआ सितारा हूं। ये आत्माएं संसार की सर्वश्रेष्ठ आत्माएं, 8 आत्माएं, 9 जिनको नवग्रह के रूप में
जब जब कोई अनुष्ठान होता है तो भारत में उनकी पूजा होती है। कोई भी अनुष्ठान होगा तो उन नवग्रहों की जरूर पूजा होगी। वो श्रेष्ठ आत्मा है। उसके बाद ये तो हुई पहली अवली, पहले दीपकों की अवली, फिर होती है 108 दीपकों की अवली। 108 दीपक जगते हैं। 108 दीपक सब धर्म की चुनी हुई श्रेष्ठ आत्मा है। ये ज्ञान एक परमपिता परमात्मा शिव के अलावा और दुनिया में कोई भी नहीं दे सकता। वो ज्ञान का दाता है, एक है, और अज्ञान के दाता अनेक है। जो अनेक मनुष्य गुरु अज्ञान के दाता हैं, उनके आने के बाद हिस्ट्री में ये साबित होता है, जो 2500 वर्ष की हिस्ट्री प्रूफ सहित मिलती है, वो सब नीचे गिरते हैं, विकारों में गोते खाते रहते हैं, खुद भी नीचे गिरते हैं और उनके फॉलोअर्स भी नीचे गिरते हैं। और नीचे गिरने का कारण क्या है? कारण एक ही है, जो वेदों में भी बखान किया गया है, रिते ज्ञानान्य मुक्ति। ज्ञान के बगैर मुक्ति नहीं होती है, दुखों से मुक्ति नहीं होती है, विकारों से मुक्ति नहीं होती है, इस बंधन की दुनिया से मुक्ति नहीं होती है, देह से मुक्ति नहीं होती है। ज्ञान से मुक्ति और अज्ञान से जन्म जन्मांतर का क्या होता है? बंधन होता है। सब देह के बंधन में बंधे हुए हैं। अगर कोई चाहते भी हैं कि हम सुइसाइड कर लें, देह के बंधन से मुक्त हो जावें, परंतु उन्हें पता नहीं है कि और ही जास्ती बंधन में बंध जाते हैं। भूत प्रेत का चोला मिलता है। भूत प्रेत सूक्ष्म शरीरधारियों को कहा जाता है। वो सूक्ष्म शरीरधारी आत्माएं जिनको शरीर नहीं मिलता कर्म करने के लिए, वो कर्मों के बंधन से तो छूटती हैं, लेकिन फिर लंबे समय तक भटकती रहती हैं। गीता में भी कहा है, भगवान बाप जब आते हैं तो पहले पहले किसको ज्ञान देते हैं? सूर्य को ज्ञान देते हैं। वो आत्मा ज्ञान सूर्य के मानिंद है। जो मम्मा बाबा को भी डील कराती थी, ज्ञान चंद्रमा ब्रह्मा भी उससे ज्ञान की रोशनी लेता है। नहीं तो ब्रह्मा को अपने साक्षात्कारों का ही पता नहीं चला। अंत में आखिरी भागीदार के पास जाना पड़ा। वो लौकिक दुनिया का भी भागीदार और अलौकिक दुनिया में भी भागीदार है। ज्ञान एक से आता है और भक्ति अलग चीज है। कैसे अलग है? भक्ति अनेकों से आती है। रावण से आती है भक्ति, तो रावण के कितने सिर हुए? 10 सिर हुए। तो 10 धर्म हैं जो अपनी अपनी अलग अलग बातें बताते हैं, तो वो सारा भक्ति होगी। भक्ति को ज्ञान नहीं कहा जाता है। कभी इसके पीछे भागो, कभी उसके पीछे भागो, उसको भक्ति कहा जाता है। भागते रहते हैं। देखो, इस ब्रह्मा ने 12 गुरु किए,
मिला कुछ भी नहीं। तो देखो भक्ति अंधश्रद्धा की चीज है, अंधे होकर भागते रहते, इसलिए ज्ञान को भक्ति नहीं कहा जाता, क्योंकि ज्ञान है जानकारी। जानकारी किसकी? मुख्य अपनी और अपने बाप की। अपने को जान लिया मैं कौन हूँ, और अपने बाप को जान लिया मैं भी निराकार आत्मा ज्योतिबिंदु, मेरा बाप भी निराकार आत्मा ज्योतिबिंदु। फिर बात पूरी हो गई क्या? है नहीं हो गई, क्योंकि निराकार कैसे पढ़ाएगा, ज्ञान कैसे देगा? देखो सत्युग त्रेता में भक्ति नहीं होती, क्यों? कि वहां तो हर देव आत्मा को अपना अपना पक्का ज्ञान होता है कि मैं ज्योतिबिंदु आत्मा हूँ, मैं शरीर नहीं हूँ, इसलिए अपनी इच्छा से शरीर छोड़ देते हैं। और फिर द्वापर कलयुग में भक्ति आ जाती है, क्योंकि भूल जाते हैं कि मैं कौन हूँ, अपन को देह समझते हैं। तो जिनमें धर्म पिताओं में देह भान है उनका वर्चस्व बढ़ जाता है। तो कहते हैं ना यथा राजा तथा प्रजा, तो ये भी दुनिया एक परिवार हो गई ना। राजाएं अलग अलग तो राज्य भी अलग अलग, तो भाषाएं भी अलग अलग, तो समझानी भी अलग अलग। तो फिर द्वैतवादी, द्वैतवादी द्वापर कहा जाता है, क्यों? क्योंकि दो दो बातें शुरू हो जाती हैं। क्योंकि हाफ समय में भक्ति है और हाफ समय में ज्ञान है। क्या? देह का वर्चस्व, देह भान का वर्चस्व भी आधा कल्प रहता है, और आत्मा का, आत्मभाव का वर्चस्व भी आधा कल्प रहता है। तो देखो आधा आधा हो गया, जाया भी जाता है दिन और रात। ज्ञान है दिन और भक्ति है रात, भटकते रहो भागते रहो, मिलता कुछ भी नहीं। सात नंबर वार पुरुषार्थी, तो उसमें अव्वल नंबर का जो ब्राह्मण है, जिसे ब्राह्मण चोटी कहा, जो यज्ञ के आदि में भी होता है, जिसके लिए मुरली में भी बोला कि मैं आता हूं, तो सारी दुनिया विकारों के कीचड़ में धस जाती है। क्या? सारी दुनिया में जलमयी हो जाती है ना, तो जलमयी में मिट्टी मिलेगी कि नहीं? है कीचड़ बन जाती है। तो उस कीचड़ में, देहाभिमान की मिट्टी में सारी दुनिया डूब जाती है, सिर्फ एक चोटी बचती है, उसको कहा ब्राह्मण चोटी। वो चोटी पकड़ के खींचता है, माने वही आदम, क्या एडम की आत्मा उसको पकड़ लेता है, और उसके खींचने से वो सारा विराट पुरुष जो दिखाया है, उस विराट पुरुष में सारी दुनिया मौजूद है, वो बीज है ना सारी सृष्टि का। तो वो हुआ पहले नंबर का धर्म स्थापक।